जरा सोचिए, अगर कोई मशहूर व्यक्ति जैसे पॉप स्टार, कोई मशहूर फिल्म कलाकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफी मशहूर है, अचानक आपके घर डिनर के लिए आए तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाल ही में मुझे किसी ने बताया है कि एक बार प्रिंस चार्ल्स, जब वे राजा नहीं बने थे, एक दौरे के दौरान अचानक खुद को किसी के घर दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। अब इस व्यक्ति के घर में अफरा तफरी मच गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोपहर की चाय के लिए सब इंतजाम बढ़िया हो। यहां तक कि सामने का दरवाजा खोलते समय भी वो व्यक्ति शांत और असमय दिख रहा था, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं। ये उसके लिए काफी सम्मान की बात थी। कल हम चुंगी लेने वाले लेवी से मिले थे, जिससे उसके शहर के लोग घृणा करते थे, लेकिन फिर प्रसिद्ध धर्मगुरु यीशु आते हैं और एक अजीब बात होती है। बाइबल में लिखा है, मरकुस उसका दूसरा अध्याय 15-17 वचन में, फिर ऐसा हुआ कि यीशु उनके घर भोजन करने बैठा और बहुत से कर लेने वाले और पापी भी यीशु और उसके शिष्यों के साथ भोजन करने लगे, क्योंकि वे बहुत थे जो उसके पीछे चल रहे थे। जब उन फरीसियों ने, जो शास्त्री थे, देखा कि वो पापियों और कर वसूल करने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके शिष्यों से कहने लगे, वो तो कर वसूल करने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य की आवश्यकता स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। जी हाँ, यीशु बहिष्कृत लोगों, वेश्याओं और शराबियों के बीच रहे, लेकिन वो उन्हें खुश करने, उनके पाप का समर्थन करने नहीं आए थे, क्योंकि यीशु के साथ रहने के बाद वे लोग बहिष्कृत, वेश्या या शराबी नहीं रह गए। उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। मसीह की उपस्थिति एक पल में किसी का भी जीवन बदल सकती है, आपका जीवन भी। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।